आज के इस वीडियो के अंतर्गत में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए स्क्रीनशॉट लेना। किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए सिंपली आपको इंसर्ट मेनू में आना है। स्क्रीनशॉट के ऑप्शन में आकर स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करते हैं, आपके स्क्रीन पे जो भी ओपन रहेगा उसे आपको पिक्चर के रूप में कैप्चर करने के लिए ऑप्शन दे देगा। आप जितने भाग को कैप्चर करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट करें, वह पिक्चर बनकर आपका डायरेक्टली वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है हमारा कि अगर इंसर्ट करना हो स्क्रीनशॉट, तो इंसर्ट में जाकर स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग फिर से अगर हम रिपीट वही कार्य करते हैं तो फिर से हमें डेस्कटॉप का ही स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन मिलता है। अगर हमें जरूरत हो कि नहीं सर हमें स्क्रीनशॉट जो लेना है वो हमें डेस्कटॉप का नहीं लेना है, किसी दूसरे डाटा का लेना है, तो जिस किसी भी सॉफ्टवेयर या जिस किसी भी डाटा का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, पहले सबसे पहले आप उसे ओपन कर लें। जैसे हम क्रोम ब्राउजर के होम पेज को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसे ओपन किए। ओपन करने के बाद सिंपली जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इंसर्ट स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग। जितने भाग को आपको स्क्रीनशॉट लेना है उतना को आप सेलेक्ट कीजिए और पिक्चर बनकर आपका वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप किसी भी स्क्रीनशॉट किए हुए पिक्चर को इंसर्ट करते हो तो आपको वहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, या फॉर्मेट का ऑप्शन पूरा का पूरा हमने डिटेल्स में बता दिया है पिक्चर्स के अंतर्गत में, आप वहाँ से भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।